अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल सोशो मेडिकल। बेसिकली इस चैनल का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पैरामेडिक्स को प्रमोट करना, अपनी मेडिकल फील्ड को प्रमोट करना और सोशल वैल्यूज़ के बारे में अवेयरनेस देना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कॉलीग्स, हमारे पब्लिक तक ये मैसेज पहुंच सके। आपके पास जब भी कोई पेशेंट आता है तो आप उसको खुले दिल से, इखलाके अच्छे तरीके से उसको वेलकम करें, उसको उसका हालचाल पूछें। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं आपके अच्छे बिहेवियर की वजह से उनके आधे मसाइल हल हो जाते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो होगा एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग के हवाले से। एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग जो है किसी भी वूंड की जो है बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक पेशेंट आया है, आप उस पहले तो जो है उसको आरामदेह हालत में लिटाएंगे, अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएं, उसके बाद उन पर स्टरलाइज ग्लव्स पहने, ठीक है। अगर ज़ख़म पे पट्टी लगी हुई है तो उस पट्टी को आप उतार लें। ज़ख़म से पट्टी उतारने के बाद ज़ख़म को अच्छी तरह स्पिरिट से साफ़ करें, ज़ख़म की दोनों साइडों को अच्छे से प्रेस करें। अगर उसमें कोई पानी, सीरस या कोई ब्लड टाइप चीज़ है तो वो भी निकल जाए, ठीक है। उसके बाद जो है वो रेबेंड गॉज़, एक कॉटन पट्टी का पैकेट होता है, उसको लेके पायोडीन से उसको साफ़ करें। पायोडीन से साफ़ करने के बाद जो है फिर उसको ड्राई स्वैब से साफ़ करें। ड्राई स्वैब से साफ़ करने के बाद वोंड के ऊपर पैर पोलीफेक्स अप्लाई करें। पोलीफेक्स अप्लाई करने के बाद जो है उसके ऊपर रेबेंड गॉज रख के और उसके ऊपर फिक्समल लगा के उसको उसकी पट्टी कर दें। थैंक यू सो मच।